बॉलीवुड के दबंग खान और सबके भाईजान सलमान अपने स्वैग के लिए भी जाने जाते हैं। हर फिल्म में उनका स्टाइल लोगों को खासा अट्रैक्ट करता है। सलमान जो भी ड्रेस अप अपनी मूवी में कैरी करते हैं वो उनके फैंस के लिए ट्रेंड और फैशन बन जाता है, जिसे वो फॉलो करना नहीं भूलते। अब बात करें अगर सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि दबंग 3 की, तो यकीनन सलमान इस बार भी फिल्म में चोल पांडे के रौबदार पुलिस वाले के रूप में नजर आने वाले हैं। ऐसे में सब इंतजार कर रहे हैं इस बात को जानने का कि वर्दी के अलावा सलमान किस अलग अंदाज में नजर आएंगे। तो आपकी इस क्यूरियोसिटी को हम खत्म कर देते हैं और बताते हैं दबंग 3 से सलमान के लुक के बारे में वो बात जो खुद उनके स्टाइलिस्ट ने रिवील की। सुपरस्टार सलमान के पर्सनल स्टाइलिस्ट एशले रेबोलो का कहना है कि दबंग स्टार अपने लिए सिंपल आउटफिट्स ही पसंद करते हैं, लेकिन अपनी स्टाइलिंग वो हमेशा से डिजाइनर पर ही छोड़ देते हैं, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। बता दें कि रेबोलो पिछले एक डेकेड से सलमान से जुड़े हैं। उन्हें बिग बॉस के लिए भी सलमान की स्टाइलिंग की है। रेबोलो ने बताया कि सलमान की आने वाली फिल्म यानी कि दबंग 3 काफी मजेदार है और ऐसे में मूड उनके कपड़े से भी मैच होना चाहिए। रेबोलो ने आगे कहा कि वो फिल्म में यकीनन अपनी यूनिफॉर्म कैरी करेंगे, लेकिन इसके अलावा वो फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर भी पहन रहे हैं और फिल्म के सॉन्ग्स में वो अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस में भी नजर आएंगे। साथ ही साथ फिल्म में सलमान की अर्धांगनी यानी कि सोनाक्षी भी कलरफुल साड़ी पहने हुए नजर आएंगी। यानी कि एक सलमान के इस फिल्म में ड्रेसअप के लिहाज से कई अवतार आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो सलमान अभी तक सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म और सिर्फ फॉर्मल शर्ट से अभी तक दबंग और दबंग 2 में नजर आए थे, उससे बिल्कुल ही अलग और निराला अंदाज दबंग 3 में उनका होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इसी साल 20 दिसंबर को सिनेमा हॉल्स में दस्तक देगी, लेकिन फैंस तो अभी इसे सलमान की इस फिल्म के लिए बेकरार होते नजर आ रहे हैं।